पाकिस्तान से किसी को लाख इख्तलाफ नहीं, मगर ये बात सब मानते हैं कि क्रिकेट में जितनी सिक्योरिटी पाकिस्तान देता है दुनिया में कहीं ऐसी नजर नहीं आती। पाकिस्तान में PSL हो या कोई गैर मुल्की टीम आए, इन्हें प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी जाती है। प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म और सदर को जो सिक्योरिटी दी जाती है, बिल्कुल वैसी ही सिक्योरिटी मेहमान खिलाड़ियों को दी जाती है। अब तक जिम्बाब्वे, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका जैसी टीमें पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं और जो भी खिलाड़ी यहां पर आए उनकी एक ही राय थी कि पाकिस्तान पहुंचने से पहले तो थोड़ा डर जरूर था, मगर यहां पहुंचकर जैसी सिक्योरिटी देखी सारा वहम दूर हो गया। अब हम बात करते हैं कि गैर मुल्की टीमों के लिए पाकिस्तान में सिक्योरिटी में कौन कौन इन्वॉल्व होता है। सिक्योरिटी से मुतल्लिक तमाम इदारे क्रिकेट को पुरअमन कराने के लिए हर वक्त मेहनत करते नजर आते हैं। इसमें पाक फौज, रेंजर्स, एलीट फोर्स और पुलिस फोर्स सब शामिल है। खिलाड़ियों को होटल से लेकर स्टेडियम आने तक तमाम रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। टीमों के आने से पहले स्टेडियम के अंदर भी मुकम्मल चेकिंग की जाती है और ये चेकिंग पूरा स्टेडियम खाली करके की जाती है। इसके अलावा फौजी जवान फुल ड्रेस रिहर्सल भी करते हैं, जबकि स्टेडियम के बाहर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात होती है। स्टेडियम को आने जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। जब तक टीम स्टेडियम में मौजूद है रास्ते बंद रहेंगे और जब टीम स्टेडियम से वापस होटल पहुंचती है तब रास्ते खोले जाते हैं। ऐसा भी देखने में आया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेट सीरीज कराने में इतना फायदा नहीं हुआ जितना खर्च पाकिस्तानी सरकार का सिक्योरिटी पर हो जाता है, मगर ये सब इसलिए किया जाता है कि क्रिकेट का खेल पुरअमन तरीके से जारी रहे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 5 रोज रावलपिंडी में रही। इस दौरान जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मेहमान खिलाड़ियों ने सिक्योरिटी की बेहद तारीफ की। फिर अचानक क्रिकेट न खेलने पर पाकिस्तानी शायकीन खफा हुए हैं। अब इंग्लिश क्रिकेट टीम के भी पाकिस्तान आने पर सवाल उठ रहे हैं। इससे न सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड सुनसान होंगे बल्कि पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप की तैयारी भी मुतासर होगी। हकीकत यही है कि जंग से लेकर खेल के मैदानों तक 57 इस्लामी मुमालिक में से सिर्फ एक मुल्क तन तनहा काफों से लड़ता है, जिसे दुनिया वाले पाकिस्तान कहते हैं। आपको वो सिक्योरिटी दी जा रही जो सदर और वजीर आजम की होती है, किसी भी नहीं होती उनकी भी नहीं। उनकी भी अभी मैं देख के आ रहा हूँ ना, 5-6 हज़ार तो सिर्फ पुलिस अभी है कि अभी कोई टीम नहीं है, मैच नहीं हो रहा है। उसके उस टाइम तो रेंजर, कमांडो, बहुत से एलिट फोर्स वगैरह होती है। इस कदर मोहब्बत न्यूजीलैंड की टीम को या न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के शहरियों की जानिब से मिली, दुनिया के किसी कोने में नहीं मिली। आप देख लें क्राइस्ट चर्च का वाकया होता है, कितने मुसलमान शहीद कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब वज़ीर आज़म, न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ऑन एयर आके माफ़ी मांगती है तो उम्मत मुस्लिमा उसको दिल से माफ़ कर देती है और उस वाक़े पे दोबारा क्रिटिसिज्म भी नहीं करती। आपको पता है कि अफगानिस्तान में भारत की अरबों रुपए की फंडिंग थी, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, वो खरबों डॉलर जब वहाँ से कुछ बन नहीं पाया तो वो एक तकलीफ थी भारत को, जिसका नतीजा इस सूरत में निकला कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट की सूरत में जो है डिफेम करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज मंसूख की गई, सिक्योरिटी इशू का कहा गया न्यूजीलैंड की तरफ से कि सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से हम ये सीरीज़ नहीं खेलेंगे, तो क्या कहेंगे? जी मैं समझता हूँ कि ये एक आलमी साजिश है पाकिस्तान को अकेला करने के लिए। पाकिस्तान में आलमी क्रिकेट दोबारा से आ रहा था और उसकी बहाली जो है वो उसका अमल शुरू हो चुका था, जिसको मुतासिर करने के लिए जो 18 साल पहले एक तासुर दिया गया वो तासुर इस बार दोबारा देने की कोशिश की गई है। और मैं समझता हूँ कि उस कोशिश में ये आलमी ताकतें किसी ना किसी हद तक कामयाब ज़रूर हुई हैं, क्योंकि जो आज एक फैसला न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने किया है कि पाकिस्तान में क्रिकेट
टीम जो है उनकी वो वापस उसको बुलाया जा रहा है। तो ये वो एक तासुर है जो 18 साल पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान के रियासती इदारों के बारे में दिया गया था, ये तासुर एक दफ़ा दोबारा से देने की कोशिश की गई है। और इसके साथ एक बात बहुत वाज़े तौर पे कहूँगा कि जिस कदर मोहब्बत न्यूजीलैंड की टीम को या न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के शहरियों की जानिब से मिली, दुनिया के किसी कोने में नहीं मिली। आप देख लें क्राइस्ट चर्च का वाक़या होता है, कितने मुसलमान शहीद कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म उन्हें आके माफ़ी मांगती है तो उम्मत मुस्लिमा उसको दिल से माफ़ कर देती है और उस वाक़े पे दोबारा क्रिटिसिज्म भी नहीं करती। ये दहशतगर्दी के वाक़यात पूरी दुनिया में रोनमा होते हैं, ये अकेला पाकिस्तान नहीं है कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाए, ये सारी दुनिया में होते रहे। और मौजूदा सूरत हाल में अगर आप देखें तो कोई एज सच रीज़न अभी तक सामने नहीं आई। अगर कोई ऐसी रीज़न थी, कोई सिक्योरिटी अलर्ट था, कोई खदशात थे उनको, तो उनको सिक्योरिटी एजेंसीज को बताना चाहिए था, उनको बता के फिर उनको कोई ऐसा ऐलान करना चाहिए था। उन्होंने बजाय वो सिक्योरिटी अलर्ट सामने लाए, उसका एविडेंस सामने लाए, उन्होंने पहले ही एक ऐलान कर दिया कि हम वापस जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान को डिफेम करने की साजिश है। और इसमें बहसियत है पाकिस्तानी, मैं ये मुतालबा करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को